भाई यार तेनू की लगता अज वाकई फैक्ट बोर्ड्स का पता लगा जे। दर्दानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसेवाला। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल ने सारे वीर भैन भरावान मित्र बेलियां। उम्मीद करेंगे सारे वीर भैन भरा मित्र बेली तो सहेली फिट होंगे तो टैट होंगे। सारे मित्रों का वैलकम जी अपने चैनल मूसे वाला रिएक्शन के उ। बई अ रिएक्शन लैके आए हैं, बई भी दसेंगे। वीडियो का टाइटल है भाई जान फैक्ट अबाउट सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले के बारे कुछ ऐसा गल् जी नहीं जानते रियलिटी आप या सू इस तो पहला नहीं पता, इस तरह के गल् हो सकती ने। तो वीडियो चैक करते हैं की गल् बात ने। सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर थे जो कि इंडिया से लेकर पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से लेकर उनकी स्ट्रगल लाइफ और उनकी डेथ इस छोटी सी वीडियो में हम सब पर बात करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप नहीं जानते आप तक शेयर करेंगे। सिद्धू मूसेवाले का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था और उनके फादर बलकौर सिंह सिद्धू और उनकी मदर चरण कौर इंडिया के विलेज मूसा पिंड में रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला भी मूसा पिंड में पैदा हुए और अपना बचपन और अपनी जवानी वहीं गुजारी और पंजाब की प्रॉब्लम्स और उनकी तकलीफ वो अच्छे तरीके से जानते थे। सिद्धू मूसेवाला को सॉन्ग लिखने का शौक था जो कि वो लिखते भी थे, मगर सॉन्ग गाने का उनका कोई आइडिया या माइंड नहीं था, मगर वो आगे चल के बन गया। सिद्धू मूसेवाला अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए और साथ साथ वो सॉन्ग्स भी लिखते थे, जहाँ पर सिद्धू ने अपना पहला सॉन्ग लाइसेंस निंजा सिंगर को लिख कर दिया। कनाडा में सिद्धू मूसेवाला की मुलाकात दीप चंडू म्यूजिक डायरेक्टर और करण औजला और अली मांगक ग्रुप से हुई जो के साथ मिलकर काम कर रहे थे। फिर सिद्धू मूसेवाला ने दीप चंडू म्यूजिक डायरेक्टर को अपना सॉन्ग आगे आनी बिलो वही टाइम लिख कर दिया जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। फिर सिद्धू मूसेवाला ने बड़ा हिट गाना है जो कि उन्होंने खुद गाया जट उस पिंड तो बिलोंग करता खुद लिख कर खुद गाया जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ। उसके बाद पंजाबी सिंगर गिप्पी गरेयाल ने इनको अप्रोच किया। उन दिनों वो अपनी प्रोडक्शन हम्बल म्यूजिक को लॉन्च कर रहे थे। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को अपनी प्रोडक्शन हम्बल म्यूजिक से लॉन्च कर दिया और सिद्धू ने अपने बहुत फेमस और हिट हिट सॉन्ग हम्बल म्यूजिक से दिए जिनमें सो हाई टॉर्चर ईसा जट और इसी तरह के फंटास्टिक सॉन्ग थे। और इसके साथ साथ सिद्धू मूसेवाला ने उन दिनों बिग बर्ड म्यूजिक डायरेक्टर और सनी माल्टन के साथ भी बहुत काम किया और लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा सराहा और पसंद किया। उसके बाद सिद्धू का काम चल पड़ा। फिर सिद्धू ने और अपने फेमस सॉन्ग दिए। सिद्धू मूसेवाले की स्टार लाइफ के साथ साथ सिद्धू की एक और लाइफ भी थी जो कि उनका पिंड और उनकी रियल लाइफ। रियल लाइफ में सिद्धू के मामला बहुत ज्यादा खराब थे जहाँ गैंगस्टर की धमकियां और बहुत कुछ। उसके बाद सिद्धू ने अपना काम करने के लिए अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया और वहाँ से अपना पहला सॉन्ग लेजेंड को लॉन्च किया जिसने बहुत धूम मचाई। फिर चल सो चल उनके बहुत बेस्ट से बेस्ट सॉन्ग आने लगे। सिद्धू मूसेवाले को अपने पिंड से बहुत ज्यादा प्यार था और वो अपने पिंड और अपने पंजाब के लिए और अपनी पंजाबी जुबान के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। मैं पिंड च रहना जी, तो जो तुसी पिंड च रहने हो तो इत्थे इहो जिहियां समस्यावां जिहड़ियां तुसी कदे फेस ही नहीं कर सकते। मेरे पिंड दे विच मैं हरेक साल कैंसर कैंप लगाउणा मेरी दादी दी याद दे विच जी। तुसी यकीन नहीं करना हरेक साल 7 बंदिआं दा बैच 8 बंदिआं दा बैच कैंसर दा निकल रहा। एक साडे बनाली थर्मल बनया होया, एक खोखर पिंड थर्मल बनया जी। मैम जो तुसी सवेरे उठोगे साडा सिंक देखोगे मन मन पक्की रीण है। जो कुर्ता पजामा भी सुकना पता वह काला हो जाता है। मन दा मेरे कोल 4 पैसे आ गए पर मैं हवा तो नहीं खरीद सकता, मैं पानी तो नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही। सो मेरा बाप इत्थे ड्राइवर की नौकरी करता है शहर च जिहदे च मन मन पक्के पानी खड़ा हुंदा है। मेरी माँ इसे मंडी च चाह पत्ती का समान लैन आउंदी है। मैं मन गया मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे मां प्यो नहीं बदली ते मैं इत्थे रहना। सब तो वड्डी प्रॉब्लम मेरी ये है जी। ते जे तुसी इत्थे रहने हो तो तुसी ओहो जे बंदे नी सपोर्ट क्यों करो जो थोड़े तो अधे अध्यात्मिक लेवल दे ने। यहाँ पर पंजाब के मसले, पानी का मसला, पंजाब के हकों का मसला, पंजाब में नशे का मसला, पंजाब के यूथ को नई राह पर लाना और बहुत कुछ, इन सब के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। उसके बाद पंजाब में एक यूथ लीडर विक्की मिठू खेड़ा का दिन दिहाड़े उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। विक्की मिठू खेड़ा पंजाबी सिंगर मनप्रीत औलख का सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड था और वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भी बहुत ज्यादा करीब था। विक्की मिठू खेड़ा मर्डर केस में सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर शगनप्रीत
बैंड का नाम आ जाता है जिसको सिद्धू मूसेवाला खुद डिनाई करते हैं। उसके बाद से ही गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला के पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद चल सो चल बहुत कुछ होता है। उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के बहुत से पंजाबी सिंगर्स के साथ बहुत से मसले भी होते हैं और बहुत सी लड़ाइयां भी होती हैं, जिनमें बब्बू मान, करण औजला, चस मानक और सिप्पी गिल और भी बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं, जिनके रिप्लाई सिद्धू मूसेवाला अपने सॉन्ग्स और अपने लाइव शोज में करते हैं। और टीवी इंटरव्यूज में वो इन सब पर बात नहीं करते थे, बल्कि वहां पर तो वो कुछ और टॉपिक्स पर ही बात करते थे, जिनमें वो पंजाब और पंजाब के यूथ और उनके मसलों पर ही बात करते थे। फिर सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और फिर हार गए, और उनके हारने के बाद उनकी गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई, और सिक्योरिटी वापस लेने के बाद टीवी पर आकर उन सबके नाम अनाउंस कर दिए जिनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। और फिर उसके बाद होता है असल काम। 29 मई संडे के दिन सिद्धू मूसेवाले को दिन दहाड़े गोलियां मारकर मार दिया जाता है। वो अपने पिंड से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और रास्ते में ही उनको मार दिया जाता है, और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से ही जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती है। कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ मर्डर की जिम्मेदारी कबूल करता है और कहता है कि हमने ये काम किया, सिद्धू को इसलिए मारा कि सिद्धू विक्की मिट्टू खेड़ा के मर्डर में मुलव्वस था, मगर असल बात कुछ और थी। अब आते हैं उस बात पर कि सिद्धू को मारा क्यों गया। सिद्धू के मरने के 3 दिन पहले मतलब 26 मई को ऑन एयर चैनल पर सिद्धू मूसेवाले का एक इंटरव्यू आता है, और उसके अंदर उन्होंने वो सब बातें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो उनकी मौत का सबब बने। उसने खुलकर खालिस्तान पर बात की, सिख कम्युनिटी पर होने वाले जुल्म पर बात की, और पंजाबियों के हक जो उनको नहीं दिए जा रहे हैं उन पर बात की, और ये वो बातें थी जो उनकी मौत का सबब बनी। मगर मेरे हिसाब से ये किसी गैंगस्टर का काम नहीं, बल्कि बहुत ऊपर के लेवल से उसको मरवाया गया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। भाई यार तेनू की लगता अज वाकई फैक्ट बोर्ड्स का पता लगा जे तेनू की लगता? बंदे तो सोची पा लिया फर्क। चलो बाकी सारिया गल्लां ठीक ने, समझ आ रही सी कि एदी फैमिली बारे है, एदे बारे है, ए किवें स्ट्रगल कीती, किवें इत तक पहुंचया, लेकिन जिहड़ियां एंड ते गल्लां कीतियां गईयां ने भाई बहुत पढ़ने पा गया है बंदा सानू। लेकिन जिहड़ी साडी अगर इस वीडियो दे हिसाब नाल लाई है ना, ओहदा ओपीनियन ए वे कि सरकारां मतलब बस ओहदा ओपीनियन उस बंदे दा। लेकिन जिहड़ी साडी एक दिली फील होंदी है ना, वह ये चीज़ नहीं जे मनदी। क्यों? साडी फील उदों खत्म होई जदों इहदियां कंट्रोवर्सियां खब्बी खान नाल पईआं, जिन्हां ने खूंजे लाया। ये अल्लाह जानदा है कि साडे वाली सच्चे या इहो ही गल सच्चे। तुसी उस कंट्री दे रहण वाले, तुसी ज़्यादा जानते हो बेहतर कि असल मुद्दा ते असल इस कतल के पिछे कौन है। काइंडली अगर तुहानू पता है तो मैनू कमेंट करके लाजमी दसना। अज की वीडियो तो इन्ना ही यार, अगे कुछ लफज नहीं कह सकते साढ़े वालों।